अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते भर की खबरों के साथ मैं हूं उस्मान रज़ाक। सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लॉन्ग मार्च रैली पर फायरिंग। पाक फौज के तर्जमान का बयान कि फौज पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। आर्मी चीफ की तकरीरी पर कोई मुशावरत पीटीआई से नहीं होगी। आजम सवाती सेनेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। इमरान खान के आजादी मार्च पर फायरिंग। इमरान खान पर कातलाना हमला और इमरान खान की टांग में तीन गोलियां लगी। एक गोली टांग को छूकर गुजर गई। एक हमलावर पकड़ा गया और इसका इब्तदाई बयान सामने आ गया। हमले में एक फर्द चापाक हुआ और 11 अफराद जख्मी हुए। इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। इमरान खान ने अगले ही दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो दोबारा कॉल देंगे। हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान एफआईआर 3 अफराद के खिलाफ देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्ला और मेजर फैसल। पाक फौज के तर्जमान ने बयान दिया है कि फौज पर इल्जाम बेबुनियाद हैं और हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। फौज के अंदर एक मजबूत एहतसाबी निज़ाम है। फौज पर इल्जाम से फौज की साख को मुतासर किया जा रहा है। मुल्क भर में इमरान खान पर कातलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पुलिस की आवाम पर आंसू गैस की शेलिंग। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान पर हमले से हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई है। उधर फैसलाबाद में राणा सनाउल्ला के घर पर पथराव हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने एक शख्स के जरिए पैगाम भिजवाया है कि आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए उनके साथ मुशावरत करें, जबकि इमरान खान ने इस बयान की तरदीद की है। सेनेटर आजम सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं रोज जीता हूं और रोज मरता हूं। मेरा जुर्म सिर्फ एक ट्वीट था। उनका कहना था कि उनको इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि उनका केस सियासी नहीं बल्कि अखलाकी है। नाइंसाफी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। आजम सवाती ने इस जुर्म ज्यादा का इल्जाम दो फौजी अफसरान पर लगाया है। इसके साथ अस्मा रजाक को इजाजत दीजिए। देखते रहें INA न्यूज।